नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पाठशाला टेक में, ओनली टेक नो फेक। दोस्तों आज मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि UIDAI ने अपना नया पोर्टल लॉन्च किया है और इस नए पोर्टल में मैं आपको बताऊंगा कि अपने एंड्रॉयड मोबाइल से ही जो है इस नए पोर्टल के जरिए आप अपने आधार कार्ड डाउनलोड कैसे कर सकते हैं। तो वीडियो में आप लोग अंत तक बने रहिएगा और साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो की सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे सिलेक्ट कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आधार कार्ड डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले अपने मोबाइल में क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। टाइप करना है uidai.gov.in जो कि UIDAI का ऑफिशियल वेबसाइट है। सिंपली फर्स्ट वाली वेबसाइट पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। यहां आपको गेट आधार वाले सेक्शन में जाना है और डाउनलोड आधार पर क्लिक कर देना है। आपको सिंपली डाउनलोड इलेक्ट्रॉनिक कॉपी ऑफ आधार वाले सेक्शन में जाना है। आपको यहां आधार नंबर इंटर करना है। अगर आपके पास आधार नंबर नहीं है, आपने न्यू आधार कार्ड के लिए अप्लाई किया है, तो आपको सिंपली जो स्लिप मिला है उसमें इनरोलमेंट आईडी लिखा होता है उसको यहां इंटर करना है जो कि 28 डिजिट का होता है। अगर आपके पास वो भी नहीं है तो आप वर्चुअल आईडी यहां पे इंटर कर सकते हैं जो आपने जनरेट किया है। अगर आप सीखना चाहते हैं कि वर्चुअल आईडी होता क्या है तो हमने उस पर वीडियो बना रखा है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है या आप सिंपली ऊपर आई बटन पे भी क्लिक करके देख सकते हैं। यहाँ बॉक्स में दिए गए कैप्चा को इंटर करके सेंड OTP पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको एक मैसेज आएगा जो बताएगा कि आपका OTP आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पर सेंड कर दिया गया है। आपको सिंपली यहाँ जो है OTP इंटर कर लेना है। OTP इंटर करने के बाद आपको जो है एक क्विक सर्वे करना होता है जिसमें बोला जा रहा है कि डिड यू नो डैट यू कैन ऑर्डर रीप्रिंट ऑफ आधार लेटर फ्रॉम UIDAI वेबसाइट। क्या आप UIDAI वेबसाइट से जो है आधार कार्ड को रीप्रिंट करना चाहते हैं, तो यस कर देंगे। दूसरा सर्वे है इन हाउ मेनी डेज डिड यू रिसीव द रीप्रिंट आधार लेटर आफ्टर गेटिंग SMS फ्रॉम इंडिया पोस्ट। मतलब इंडिया पोस्ट से मैसेज प्राप्त करने के कितने दिन के अंदर जो है आपको रीप्रिंट आधार चाहिए, तो चलिए विदिन 5 वर्किंग डेज करके वेरीफाई एंड डाउनलोड पे क्लिक कर देंगे। वेरीफाई एंड डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद आपको इस तरह का मैसेज मिलेगा जो बताएगा कि आपका आधार कार्ड डाउनलोड हो चुका है और साथ ही साथ यह पासवर्ड प्रोटेक्टेड है। दोस्तों यहाँ पे पासवर्ड आपके नाम का 4 लेटर और आपके डेट ऑफ बर्थ का ईयर का कॉम्बिनेशन होता है। चलिए चेक कर लेते हैं हमारा आधार कार्ड डाउनलोड हुआ है या नहीं हुआ है। चलिए पासवर्ड इंटर कर लेते हैं। पासवर्ड हमने बता दिया है, आपके नाम का 4 लेटर और आपका डेट ऑफ बर्थ का इश्यू होता है। आप देख सकते हैं दोस्तों हमारा आधार कार्ड डाउनलोड हो चुका है जो आप लोग के सामने है। तो आप इस तरीके से सिंपली अपने आधार कार्ड को कभी भी डाउनलोड कर सकते हैं। आशा करता हूं दोस्तों वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो आपको समझ में आ गया है तो वीडियो को कर दो लाइक, चैनल को कर दो सब्सक्राइब और वीडियो के सारे नोटिफिकेशन देखने के लिए बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे सेलेक्ट कर दीजिएगा, क्योंकि मैं इसी तरह के वीडियो बनाता रहता हूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।